सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान कवि साहित्यकार उपन्यासकार के साथ हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख चार स्तंभों में से एक थे। निराला की कविता पढ़ने से महसूस होता है कि वो वास्तव में हिंदी साहित्य का दर्द थे। सामंतवादी सोच और व्यवस्था का आक्रोश उनकी कविताओं में बरबस झलकता है। साहित्य रचना में उनका पदार्पण जन्मभूमि की वंदना से हुआ। निराला जी का महाप्रयाण 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। देखते हैं प्रख्यात साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर हमारी खास पेशकश। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आज पुण्यतिथि है। हिंदी के छायावादी युग के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 16 फरवरी 1896 को पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। निराला का जीवन बहुत अधिक विषमय रहा। जब उनकी उम्र महज 3 साल थी तब उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी को बड़ा झटका तब लगा जब शादी के कुछ सालों बाद ही पत्नी और पिता दुनिया से 1 साल में ही चल बसे। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और संघर्षपूर्ण जीवन को खुद ही मेहनत से सफल बनाया। इस बीच ये भी देखने को मिला कि उनको हिंदी से कोई जुड़ाव नहीं था। जब घर पर रामचरितमानस सुनते सुनते उनमें संस्कृत भाषा को लेकर रुचि जागी तो धीरे धीरे उनको संस्कृत भाषा कंठस्थ हो गई। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी भी सीखनी शुरू कर दी और पत्नी के कहने पर ही कविताएं लेखन शुरू किया। सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता लेखन की प्रतिभा को पहचान तब मिली जब उनका परिचय हिंदी साहित्य के विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। उन्होंने निराला की प्रतिभा को पहचाना और इसके बाद से सूर्यकांत भी जीवन संग्राम के विजयी भाव में बढ़कर एक से एक कविताएं लिखने लगे। फिर इनका नाम हो गया पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समय के साथ साथ उनकी रचनाएं भी लोगों के दिलों में छाप छोड़ने लगी। निराला ने कई कविताएं, उपन्यास, निबंध संग्रह सहित कई रचनाएं लिखी। इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, गीत कुंज, सांधे काकली, अपरा सहित कई चुनिंदा रचनाएं हैं जो साहित्य प्रेमियों ने पसंद की। सही मायने में महाकवि निराला ने हिंदी की वेदना के विष को पिया और उसके बदले में उन्होंने आनंद के अमृत का वरदान भी दिया। 1923 में निराला सेठ महादेव प्रसाद के यहाँ से प्रकाशित होने वाले मतवाला में आ गए। यहाँ से निराला को मतवाला भी कहा जाने लगा। उस समय निराला ने उसके कवर पेज के लिए 2 पंक्तियां लिखी। निराला कविता लेखन के समय से ही रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से खासे प्रभावित थे। निराला सचमुच निराले व्यक्तित्व के धनी थे। इलाहाबाद से निराला का विशेष लगाव था। इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में अपने एक मित्र राय साहब के घर में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अंतिम सांस ली। निराला का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया कविताओं का विशेष योगदान आने वाले युगों युगों तक याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।